किसी भी व्रत में आप एक गिलास ये ले लो, पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहोगे, चेहरे पे बिल्कुल भी डलनेस नहीं रहेगी, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी। बॉडी को ये क्लीन तो करता ही है, डिटॉक्स करता ही है, और अगर आपके ब्लड की कमी है तो वो भी, ये बस एक हफ्ते आप पी के देखो, ब्लड की कमी को भी दूर करेगा ये, और चेहरे पे दाग धब्बे छाइयों को दूर करने के साथ साथ ये इतना फाइबरफुल होता है कि ये आपको पूरे टाइम पेट भरा भरा महसूस होगा, आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। तो ये इसका नाम मैंने दिया है BTS जूस, क्योंकि ये है बीटरूट, टोमेटो और स्पिनिच, तीनों चीज़ से मैंने इस जूस को मैंने बनाया। बीटरूट है ये, आप देख रहे हैं, ये टोमेटो है और ये है स्पिनिच, और साथ में मैंने इसके लिए थोड़े से अदरक और नींबू और ये चिया सीड है, मैंने इसे भिगो के रख लिया था। ये इन सारी चीज़ों से मैंने बनाया है, आप चाहें तो इसमें बाद में शहद भी डाल दें। तो इसको मैंने काट के इस तरह से रख लिया है, चुकंदर को और टमाटर को और पालक को, और इसमें से ये हम लोग तो व्रत में खाते हैं, और अगर आप कोई चीज़ ना खाते हो तो उसे हटा दें, बहुत लोग अदरक नहीं यूज़ करते हैं व्रत में तो उसे निकाल दें आप। इसको मैंने इस तरह से जार में ले लिया, तो बेसिकली हम एक स्मूदी तैयार कर रहे हैं। और अगर आपको जूस बनाना है तो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी भी डालें यहाँ पे, तो और ये दोनों को अभी रहने देते हैं, नींबू और चिया सीड को, पहले इसे हम ग्राइंड करके लेके आते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्मूदी ही तैयार किया है, आप चाहें तो पानी डाल के और इसको छान के जूस निकाल लें इसका। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ ये इतना ये फीलिंग होता है कि आपको पेट एकदम भरा भरा, ये चिया सीड भी जो जा रहा है इससे बहुत ही पेट भरा भरा लगेगा। तो व्रत में आप सुबह अगर एक गिलास आप ये ले लेते हैं तो आपको बहुत ही आप अपने को एनर्जेटिक फील करेंगे। और यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी डाल दिया इसमें, और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है, आप इसको स्मूदी को भी पतला करना चाहें तो यहाँ पे पतला कर लें, मैंने इसे अभी ऐसे गाढ़ा ही सर्व किया है। तो आप अपने हिसाब से, आपको जो पसंद हो उस तरह से आप इसकी थिकनेस रखें। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं, तो व्रत में इसे ज़रूर पिए, व्रत के साथ साथ आप नॉर्मल दिनों में भी आप इसे लें। और ये मैंने थोड़ा सा ऊपर से भी डाल दिया, पहले मैंने थोड़ा सा डाला था, सारे में मिक्स किया था चिया सीड को और ऊपर से फिर डाला। तो तैयार है हमारा ये BTS स्मूदी। और इस हेल्दी रेसिपी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आप, लाइक और शेयर भी करना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे, तो देखते रहें आप ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।